एक्चुअली करवा चौथ आ रहा है तो हम लोग करवा चौथ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे दुकान से कपड़े आए हैं, हम वो सिलेक्ट करेंगे और हमारे लिए नए कपड़े बनेंगे। और बीच में ये मेरी बेटी जिसकी भी शादी नहीं हुई तो वो बात करी कि मैं मुझे भी करवा चौथ करना है, तो इसके कान खींच के पकड़ के मैं लेके जाती हूँ, तुझे किस बात का करवा चौथ करना है, सब बात ये है और वो सीन है एक्चुअली। हाँ हाँ एक्चुअली मम्मी के एब्सेंस में तो काफ़ी बार मंगलसूत्र और सिंदूर बिंदूर लगा के घूम भी लिए थे घर में और बहुत बार करवा चौथ भी कर रही थी और चलने लेके चांद मान भी देख लिया था। तो ऐसी एक्टिंग तो हम लोग घर में तो बॉर्न एक्टर हम लोग ऐसा करते रहते थे। मैंने तो बहुत बार किया है। सोनम तूने किया है? बहुत छुप छुप के किया है लेकिन हाँ तो एक्चुअली हम लोगों ने किया है ऐसा और मज़ा आता है ये करने में। सच में बताऊँ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया शायरी बोलना, और मैंने कभी शायरी बोलने का ट्राई नहीं किया एटलीस्ट। इवन आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मैं शायरी की बिल्कुल मतलब मैं बोल नहीं पाती, सुनना पसंद करती हूँ पर मुझे बोलना नहीं आता। मुझे भी नहीं, वो जायका जो होता है। एक्चुअली ये करवा चौथ में तो ऐसा है कि मैं शकुंतला, मैं तो घर फैमिली में मेरी फैमिली के अलावा वीरमती लाजो मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, तो उसका लाजो का फर्स्ट करवा चौथ है इस घर में, तो मुझे वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। अब मतलब कभी भी घर में भारद्वाज हाउस में खुशी का माहौल हो तो शकुंतला को कुछ भी करके वो बिगाड़ना ही बिगाड़ना है, तो आई ट्राई आई कीप ऑन ट्राइंग कि मेरा ये जो इनका करवा चौथ है मैं कुछ भी करके बिगाड़ूँ, तो मेरे वो ट्राई चल रहे हैं। और लाजो आ गई तो उनका करवा चौथ कैसे हो जाए, तो मैं आग लगाती रहूँगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी। तो इसमें भी एक बड़ा सा ड्रामा आ रहा है जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा लाजवंती, करवा चौथ पे बहुत बड़ा ड्रामा आ रहा है। लेकिन मैं इनके अपोजिट हूँ और मैं अपने भैया भाभी के साथ हूँ। बढ़िया ही भाभी वाली। अरे यार अभी तो करवा चौथ खत्म हुआ नहीं, अभी दिवाली के लिए। अच्छा रियल ज़िंदगी में ऐसा है कि ये सब लोग बॉम्बे से बाहर से है एंड सारे मतलब वीरमती गुणवंती दुलारी एंड लाजो ये सभी को मैंने मेरे घर पे इनवाइट किया है और मैंने बोला है कि मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे हम दिवाली में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। तो दिवाली इस बार हम लोग ने मेरे घर पे सेलिब्रेट करने का प्लान किया है। अभी देखते हैं हमको शूटिंग में से कैसे छुट्टियाँ मिलती है। तो नो आई डोंट बिलीव, क्योंकि वो पोल्यूशन करते हैं, नॉइस पोल्यूशन एंड वो क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए क्योंकि कभी कभी बच्चों को भी लग जाते हैं या कुछ भी उससे अनहोनी हो जाती है, तो क्रैकर्स नहीं, अब दिए जला लो, अच्छे घी के दिए जला लो, हाँ तो रोशनी उससे भी होती है। सो क्रैकर्स नहीं, रोशनी का त्यौहार है, मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ क्रैकर्स मत चलाओ, ये कोई यूज़ की नहीं है, फालतू तुम खर्च करते हो उसके ऊपर और दो मिनट के मज़े के लिए तुम किसी को परेशान करते हो, जानवरों को, बीमार लोगों को, कईयों को। जी हम लोग केवड़ा त्रीज करते जो हमारा गुजरातियों का करवा चौथ होता है, तो ये वैसा ही होता है, सिर्फ उसमें चांद देख के हम पूजा नहीं, चांद देख के पूजा करते हैं लेकिन फ्रूट्स खा सकते हैं पूरा दिन, बट करवा चौथ इज टू टफ, करवा चौथ ज़्यादा ही टफ है, उसमें हम पानी पी सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हो, दूध भी पी सकते हैं, तो मैं वो वाला करवा चौथ करती हूँ थोड़ा सिंपल वाला। अरे चमन आ जाओ, गुणवंती अनवर सब लोग आ जाओ, आओ आओ करवा चौथ की बातें करते हैं। गुणवंती का नहीं पता है अभी तक तो करवा चौथ में ये भी आ रही है तो अभी, लेकिन इसका तो करवा चौथ होगा नहीं लेकिन देखते हैं। यस ये डिटर्जेंट से धुला हुआ करवा चौथ का भी बता दे, मेरा तो देखो धुल गया करवा चौथ। बिल्कुल हम लोग घर से बाहर हैं और फैमिली के साथ पहली बार हम दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत रियल मॉम ना सही लेकिन रियल मॉम तो मेरे साथ है और मैं उनके साथ ही सेलिब्रेट करने वाली हूँ। हाँ हम लोग इनके घर पे सेलिब्रेशन, हाँ हम लोग बहुत सारे डब स्मैश बनाते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं एंड कैमरा के पीछे भी ये पूरा एक फैमिली जैसा ही है और हम लोग इतनी ही मस्ती करते हैं, सचमुच इतने घुले मिले हैं हम सब लोग सच में।
हाथ दे दो, हाथ दे दो, हम लोग ऐसे ही है। चमन, थैंक यू।